ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਜ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਕੀ ਲਾਸ਼ੇ ਅਭੀ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪੜੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਮੇਂ ਹੀਰਪੁਰ ਪੇ, ਔਰ ਤਬ ਤੱਕ ਵੋ ਲਾਸ਼ੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੋ ਤਬ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ ਜਾਏਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ये जो मोनू मिश्रा जी हैं उनके ऊपर उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करती, उनके ऊपर मर्डर केसेस जो चार्जेस हैं वो नहीं डलते, और जब तक ये जो एमपी हैं इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हीं का हाथ है आज ये जो भी घटना हुई है किसानों के साथ, जो भी जितने भी लोग आज शहीद हुए हैं इनके पीछे इनका हाथ है। इन्होंने गोलियां चलाई हैं उनके ऊपर शरेआम, गाड़ियां चलाई हैं, और ये गुंडा राज है यूपी का। उससे पहले उन्होंने भड़काने का काम किया है, उससे पहले कि इनकी स्टेटमेंट देखिए जरा आप मिश्रा जी की, जिसमें इन्होंने बोला था कि किसानों को हम सबक सिखाएंगे, तो आज उनके बेटे ने ये सबक सिखा दिया किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के और किसानों के ऊपर गोलियां चला के। ये बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट जो यूपी में डिप्टी सीएम गवर्नर बॉडी, उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई ठोस कदम नहीं उठाया हमारे किसानों के ऊपर। जो आज हुआ है, ना तो वो एमपी को सस्पेंड किया गया है, ना ही उनके बेटे मोनू मिश्रा जी को अभी तक पुलिस ने पकड़ा है, किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा इन्होंने वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया है। इस तरीके का ये डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर शरेआम गवर्नमेंट के लोग गुंडागर्दी करते हैं और कत्लेआम करते हैं और खून करके भाग जाते हैं। ये है हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी, ये है बीजेपी। मोदी जी आप बोलते हैं कि किसान माओवादी है, किसान टेररिस्ट है, टेररिस्ट आप है, अभी तक किसान शांतमय तरीके से सही ये सब कुछ देख रहे हैं। आपने आज किसानों ने शांतमय तरीके से झंडे दिखाए, काले झंडे दिखा के विरोध किया, और आपके बीजेपी के सांसद के बेटे ने वहां पर आकर गोलियां चला दी और किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के उनको मार दिया। ये आपकी गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट की गुंडागर्दी है यूपी में। जिस तरीके की बीजेपी गवर्नमेंट ने हरियाणा में पीछे करनाल में जिस तरीके से व्यवहार किया था, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया था, उसी तरीके से आज ये यूपी में हो रहा है। इनको क्या लगता है कि यूपी में ये जो आग लगाई है ना इन्होंने, इनको पूरे यूपी को इनकी बीजेपी गवर्नमेंट को आग लगा के ही छोड़ेगी, तब तक सांस नहीं आएगा किसानों को। हम पंजाब से पूरे यूपी को, यूपी में जितने किसान हैं हमारे भाई हैं, हमारा समर्थन उनके साथ है, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का। अगर इनको लगता है इस टाइम पर गोदी मीडिया, जो ये खबर ऑल ओवर इंडिया में जानी चाहिए थी, ऑल ओवर आज तक वाले दिखाते रहते हैं, दूसरी जितने खान के बेटे ने कुछ कर दिया, किसी और बॉलीवुड कलाकार ने कुछ कर दिया, वो तो आप बहुत जल्दी दिखाना शुरू कर देते हो। ये आपकी गोदी मीडिया, ये है आपकी डेमोक्रेसी इंडिया में, जहां पर जो चीजें आपको दिखानी चाहिए इस टाइम पर, छह लोगों से ऊपर लोग किसानों को मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है यूपी में, वो दिखा नहीं रही अभी तक। वो मीडिया कहां पे है जिनको दिखाना चाहिए इस टाइम पर कि आज क्या किया है मोदी सरकार बीजेपी ने? अब बताइए मोदी जी कि आपके बीजेपी कोई सुरक्षित है कि नहीं है? आपके राज में ना कोई सुरक्षित है, ना कोई सुरक्षित रहेगा। किसानों को तो आपने मार दिया शरेआम गुंडागर्दी करके,
वैसे आप बोलते हैं कि गुंडागर्दी होनी नहीं चाहिए, यूपी में योगी राज में कोई गुंडागर्दी नहीं है, सबसे ज्यादा योगी राज में ही गुंडागर्दी है। जो आपने गुंडागर्दी, एक तो आपने मुजफ्फरनगर में जो दंगे फसाद करवाए थे, उसके बाद आपने यूपी में हर एक शहर का नाम बदलना शुरू कर दिया। आपकी गवर्नमेंट ने हिंदुत्व का नारा लगाते लगाते लोगों का जीना हराम कर रखा है। आप बोल रहे हैं मुस्लिम की बात करते हैं, आप मुस्लिम, हिंदू, सिख, आप सभी का आपने जीना हराम कर रखा है बीजेपी गवर्नमेंट ने। हम बीजेपी का बायकॉट करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, और जब तक ये मोनू जी, मिश्रा जी को जब तक पुलिस हिरासत में नहीं लेती, तब तक जो किसान हमारे, उनकी जो वहां पर इस टाइम पर जो शहीद हुए हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं वहां पर, वो उसी तरीके से पड़ी रहेंगी जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलता। पूरे देश के किसान वहां पर आकर बैठेंगे। आप क्या आपको क्या लगता है कि आप इंटरनेट बंद कर लोगे वहां का तो लोगों के तक बात नहीं पहुंचेगी? हर कोई इंसान, हर कोई सेलिब्रिटी, हर कोई वर्ग का इंसान जो दो वक्त की रोटी रात को खा के सोता है, वो लाइव आके इंटरनेट पे आपसे जवाबदारी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आज यूपी में हुआ है वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, और आपका जो एमपी है उसको सस्पेंड किया जाएगा। स्पीकर से भी, हम ऑनरेबल स्पीकर से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि उसको इस टाइम पे सस्पेंड किया जाए, और मोनू मिश्रा को उसी टाइम उसके ऊपर 302 और उसके ऊपर जितनी धाराएं बनती हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, जो उन्होंने मर्डर किया है इस टाइम पर, उनको अंदर करना चाहिए इस टाइम पे। तब तक हम इसी तरीके के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी, इसी तरीके के साथ मैं खुद कल वहां पर आकर बैठूंगी और किसानों के समर्थन पे उन फैमिलीज के साथ जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, एक किसानों के मुद्दों को लेके, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन नौजवान लड़कों का कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने सिर्फ काले झंडे दिखाए थे और आपने उनको आज मौत के घाट उतार दिया, आपने उनका मर्डर कर दिया। ये है बीजेपी सरकार जहां पर हम सुरक्षित फील कर सकते हैं। दिस इज वॉट इज गवर्नमेंट। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं फॉरेन में जाके, कहां पे है डेमोक्रेसी भाई? इंडिया में डिक्टेटरशिप है, और सबसे बदतर सरकार बीजेपी सरकार है, मोदी जी और योगी सरकार आपकी यूपी में। हम आपको चैलेंज देते हैं, इस बार आपकी बीजेपी हम उखाड़ के फेंक देंगे। हर कहां से फेंकी है, पंजाब से फेंकी है, बंगाल से, अब यूपी से भी जाएगी। अब हमारा चैलेंज है आपके साथ, और हम आपको टाइम देते हैं, ऐसे जो किसान मोर्चे के किसान लीडर भी और पंजाब हरियाणा भी, अगर आपने 24 घंटे में मोनू मिश्रा जी की गिरफ्तारी नहीं की तो बहुत बुरा होने वाला है। चाहे आप इंटरनेट बंद कीजिए, चाहे कोई भी तरह की सेवाएं बंद कीजिए, ना कोई किसान बख्शेगा आपको, ना बीजेपी वाले लोगों को बख्शा जाएगा। अब वो गाड़ी से क्या, घर से निकलने के लायक नहीं बचेंगे। जिस तरीके से आज उनके परिवार वहां पे बैठे हैं ना, लाशों के ऊपर रो रहे हैं, उनके जवान बच्चे मर्डर कर दिए, इसी तरीके से आप और कत्लेआम देखेंगे अगर आपने इंसाफ नहीं दिया तो। ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख के कोई दंगा फसाद नहीं चल रहा, हर कोई किस अपना इंसाफ मांगता और इंसाफ लेके छोड़ेंगे। चाहे गवर्नमेंट आपकी है, हम पूरे यूपी को बंद करवा के छोड़ेंगे जब तक आप उन जो वो लाशों का इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हम आपको कहते हैं, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये जो लाइव मैंने डाला है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए ऑल ओवर इंडिया कि बीजेपी कितनी बदतर गवर्नमेंट है और बीजेपी के सांसद कितने बदतर हैं, जो कि एक सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं किसानों के विरुद्ध, किसानों के लोगों में गुंडा राज, जो उन्होंने सबक सिखाने वाली एक उनकी जो ट्विटर के ऊपर डली हुई है, आज उन्होंने उनके बेटे ने सबक सिखाया है लोगों, मासूम किसानों को मर्डर करके। ये है डेमोक्रेसी इंडिया की। और अभी तक यूपी में अभी तक किसी भी तरीके का उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो पुलिस ये देख रही है कि कहीं पंजाब से किसान नेता यूपी के अंदर एंटर ना कर जाएं।
वो पुलिस हर जगह पे नाके लगा के ये देख रही है कि हम लोग यूपी में ना आ जाएं प्रोटेस्ट करने के लिए। वो लोग आम जनता को डरा धमका के घर बिठाना चाहती है। ये है बीजेपी गवर्नमेंट, जहां उनको उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो लोग गोलियां मार के उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा के मर्डर करके भाग गए, उन मर्डर्स को पकड़ा नहीं जा रहा अभी तक। और उल्टा जो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उनके इंसाफ के लिए, उनको रोका जा रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज डेमोक्रेसी। ये इंडिया की डेमोक्रेसी है, ये मोदी गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी है, जहां पर शरियाम मर्डर होते हैं और मर्डरर्स को पकड़ा नहीं जाता, उल्टा उनको उनको सुरक्षा दी जाती है। उल्टा वहां पर जो लोग इंटरनेट पे बात करना चाहते हैं, वो इंटरनेट सेवाएं रद्द की जाती हैं। ये है मोदी गवर्नमेंट। साथ होगा तो आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो। सो इट्स बेटर रेज योर वॉइस राइट नाउ अगेंस्ट यूपी, अगेंस्ट दिस बीजेपी, बीजेपी गवर्नमेंट स्पेशली इन यूपी एंड दिस मिश्रा। काइंडली प्लीज टॉक अबाउट दिस मिश्रा, काइंडली प्लीज टॉक अबाउट दिस मोनू मिश्रा, कि इसकी अरेस्ट जल्दी से जल्दी हो, ताकि हम उन जो बेकसूर लोग जो उनके घर वाले वहां पे बैठे हैं, उनको इंसाफ मिल सके। तो हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि उनको इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, और हम उनके साथ बैठेंगे। हम जब तक ये मोनू मिश्रा की अरेस्ट नहीं होती, तब तक उन जो शरीर वहां पे पड़े हैं, उनकी अंतिम यात्रा नहीं होगी। ये मोदी जी आप सुन लीजिए, पूरे भारतवर्ष से वहां पर किसान आकर बैठेंगे, जब तक उस कुत्ते इंसान की गिरफ्तारी नहीं होती, और जब तक ये जो बंदा बोल रहा था हमारे किसानों का, उसका हर्ष, उसका हाल बुरा किया जाएगा, जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक हमारे ऑल ओवर भारतवर्ष के किसान, हर एक स्टेट के, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, चाहे वो केरला है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो हरियाणा है, पूर्ण हर एक जगह से हर एक किसान जो दो वक्त की रोटी खा के सोता है, वो जरूर वहां पे पहुंचे, और उन जो अंतिम यात्रा की जो उनकी बॉडीज वहां पे पड़ी हैं, उनके इंसाफ के लिए वहां पर जरूर पहुंचें और उनके लिए आवाज उठाएं, और उनकी फैमिलीज को इस टाइम पर समर्थन की जरूरत है। हमें आप सबकी जरूरत है, आप जरूर वहां पे पहुंचे। किसान एकता जिंदाबाद।